हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान, मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। कहावत है, When life gives you lemon, you make lemonade। बोलने में अच्छा लगता है, पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके पास और चॉइस भी क्या है पॉजिटिव रहने के अलावा? इन हालात में नींबू की शिकंजी बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ये आप पर है। असल मेरे पास शब्द नहीं है इस वक्त भी। मुझे थोड़ी देर पहले पता चला था कि ऐसा हो गया है, और ऑनेस्टली मेरे पास इस वक्त शब्द नहीं है बयान करने के लिए कि उनके बारे में ऐसे पास्ट टेंस में, ऐसे भूतपूर्व काल में बात करना अपने आप में एक बहुत ही अजीब थॉट है। ये बिल्कुल एक पर्सनल लॉस है सबके लिए, जो भी उनके काम से जुड़े थे, जो उनके काम को पसंद करते थे, जो कि पूरी दुनिया भर में जितना उन्होंने अपना रुतबा और उनका जितना नाम था, और वो एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत ही एक उम्दा इंसान थे। बहुत ही एक सेंस ऑफ ह्यूमर उनका बहुत अच्छा था, और एक जिंदगी की समझ थी उनको, जहां से वो उठकर आए और जहां तक गए। हमने उनकी एक फिल्म का पहला प्रिंट देखा था, पासिंग तोमर का, मुझे आज भी याद है। बारिश पड़ रही थी आराम नगर में, बंबई में, तिग्मांशु के घर पर पहला प्रिंट देखा गया। पकौड़े बना रहे थे वो बरमूडे में, अनुराग कश्यप थे, मैं था, वो थे, हम चार पांच छह दोस्त थे। हमने वो 2.5 घंटे की फिल्म मेरे ख्याल से 3.5 घंटे में देखी होगी, 4 घंटे में देखी होगी, क्योंकि वो हर किसी 2-4 सीन के बाद कोई जुमला छोड़ देते, और वो जुमला ऐसा होता था कि वो फिल्म रोक कर फिर पहले हंसा जाता था और फिर बातचीत आगे की जाती थी, शूटिंग के दौरान क्या हो गया था, या तिग्मांशु पर एक कमेंट कर देना, या हम पर कर देना। तो
बहुत ही पर्सनल लॉस है, बड़ा कष्ट है। मुझे जब आज सुबह पता चला तो मुझे कैफी आदमी साहब का ये मिसरा याद आया कि रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, रहने को सदा दुनिया में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई।